नमस्कार साथियों, हमारे YouTube के स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं पलाश राव, आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़। साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़ के बीच 5 T20 मैचों की जो श्रृंखला है, जिसका चौथा मैच जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने 21 रनों से साउथ अफ्रीका पर विजय प्राप्त की है, तो हम बात कर लेते हैं इस मैच में कैसा रहा इन दोनों टीमों का जो हाल है, वो इस मैच के बारे में पूरा हम डिटेल में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, और हमारे वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका ने अगर देखा जाए तो पहले गेंदबाजी की थी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने 167 रन बनाए 20 ओवर में, जिसमें बता दें आपको लिंडन सिमंस और एवन लुइस ओपन करने आए टीम की ओर से, सलामी बल्लेबाज सिमंस और एवन लुइस ओपन करने आए, जिसमें एवन लुइस जल्दी ही पेविलियन चलते बने, वहीं लिंडन सिमंस एक तरफ से एक छोर संभाले हुए थे, एक छोर को संभाले रखा सिमंस ने। तो इस दौरान दूसरी ओर से विकेट्स गिरते जा रहे थे लगातार, मिडल ऑर्डर थोड़ा सा फ्लॉक साबित रहा वेस्ट इंडीज़ का। हिटमायर, निकोलस पुरन और क्रिस गेल बहुत जल्दी पेविलियन चलते बने, तो अंत में अंडर रसल भी बहुत जल्दी आउट हुए, लेकिन फिर कप्तान कारन पोलार्ड बल्लेबाजी करने आए, और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 25 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बदौलत 20 ओवर में 167 रनों के स्कोर तक पहुंच सकी जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है। 20 ओवर में 167 रन बनाई, जिसकी मदद कारन पोलार्ड के बल्लेबाजी के बदौलत। तो कप्तान पोलार्ड की एक 25 गेंदों में 51 रनों की एक शानदार लाजवाब पारी थी, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम बहुत जल्दी ही विकेट्स खोना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक ने 60 रन बनाए, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने उनका साथ नहीं दिया। अगर गेंदबाजी में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अगर देखा जाए तो पूरा एक्सपीरियंस दिग्गज एक्सपीरियंस बल्लेबाज एक्सपीरियंस ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और चार विकेट उन्होंने छटके, और जो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी है वो फीकी पड़ गई उनके सामने। तो साउथ अफ्रीका 21 रनों से हार गया इस मुकाबले में, और इस बार अगर देखा जाए तो 2-2 की बराबरी में खड़ी है दोनों ही टीमें। साउथ अफ्रीका ने 2 मुकाबले जीते, और देखा जाए वेस्ट इंडीज़ ने भी 2 मुकाबले जीते। वेस्ट इंडीज़ ने पहला और चौथा मुकाबला जीता, वहीं दूसरा और तीसरा साउथ अफ्रीका ने जीता। तो ऐसे रोमांच बहुत चल रहा है, लेकिन पांचवा मुकाबला कल होने वाला है, अंतिम पांचवा और अंतिम मुकाबला कल होना है, जिसमें देखना होगा कि वेस्ट इंडीज़ पलटवार करता है या फिर साउथ अफ्रीका फिर पलटवार वापसी करती है, फिर कमबैक करती है साउथ अफ्रीका, देखना होगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अगर जो कल जीतेगा उनके हाथ में ये सीरीज़ होगी, जो T20 की जो सीरीज़ है, 5 T20 मैचों की श्रृंखला जो है, वो श्रृंखला जो कल मैच जीतेगा वो श्रृंखला जीतेगा। तो देखना होगा क्या कल साउथ अफ्रीका पलटवार करेगी या फिर वेस्ट इंडीज़ फिर से एक बार सीरीज जीतने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। कल होना है मुकाबला, देखना होगा, जिसका हम अपडेट स्पोर्ट्स क्लब पर देते रहेंगे। हम आपको कल भी शाम को इस पर वीडियो बनाएंगे या फिर दोपहर को वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर। तो आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को।